नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के विषय में। आजकल वो दौर है साथियों की जब होल बॉडी चेकअप एक बहुत आसान बात हो गई है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, और साल में एक बार हम लोग होल बॉडी चेकअप कराते हैं और कराना भी चाहिए। तो जब हम होल बॉडी चेकअप कराते हैं तो उसमें एक फैक्टर आता है साथियों, विटामिन डी। आम तौर पे आप देखेंगे कि लगभग हर रिपोर्ट में विटामिन डी कम निकलता है, सब किसी का कम निकलता है और हम इससे परेशान रहते हैं। हम आपको बताएंगे अद्भुत नुस्खा जो आपके विटामिन डी को नॉर्मल कर देगा। इसमें हम आपको दो विषय पे इस वीडियो को बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप जान लें विटामिन डी का खेल है क्या, क्या है विटामिन डी। ये तो हम सब जानते हैं कि धूप एक फैक्टर है, लेकिन उसमें भी बहुत से आयाम हैं। मैं इस वीडियो में सारी बात आपको एक साथ बताने की कोशिश करूंगा। विटामिन डी साथियों फैट सॉल्युबल विटामिन डी विटामिन होता है और यह दो रूप में मेनली होता है, विटामिन D2, विटामिन D3। विटामिन D2 पौधों में पाया जाता है, विटामिन D3 हम लोगों को सनलाइट से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। अब जब हम लोग विटामिन डी की कमी देखते हैं अपने शरीर के अंदर तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि आप धूप में बैठिए। बात बिल्कुल सही है, बात गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक धूप में बैठ जाइए तब भी विटामिन डी नॉर्मल नहीं होगा अगर आपकी फिजियोलॉजी सही नहीं है। और इस फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा एक कॉम्पोनेंट है कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है व्यक्ति के तो उसका जो सन से एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन डी का वो नहीं होता है। तो आपको इस समस्या को निपटने के लिए, धूप की समस्या के निपटने के लिए अपने दिमाग को, अपने जहन को विटामिन कोलेस्ट्रॉल की तरफ ले जाना पड़ेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल की तरफ जाना पड़ेगा। होता क्या है साथियों, जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी आती है तो आप धूप में बैठते हैं। धूप में जब सनलाइट आती है तो आपके बॉडी में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो आपके शरीर में मौजूद होता है वह सनलाइट के कांटेक्ट में आने पे प्री कोलेस्ट्रॉल बनता है, प्री विटामिन डी बनता है। और वो जो प्री विटामिन डी होता है वह आपके लीवर में जाके विटामिन डी के रूप में सिंथेसाइज होता है। तो आप एक बात ये मान ले साथियों, अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपको कहीं ना कहीं सनलाइट के कांटेक्ट में तो आना ही है, लेकिन अपने जो वो रिपोर्ट आपकी 14 पन्ने की है उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल पे भी असर डालना है, आपको हाई डेंसिटी लिपिड HDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाना है। अब साथियों बात आती है कि ये कोलेस्ट्रॉल कैसे मिलेगा। मान लो कोलेस्ट्रॉल कम है, आपको हाई डेंसिटी लिपिड HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो मिलेगा काऊ के घी से, गाय के घी से। आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा तिल के तेल से। आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा नारियल के गरी के तेल से। आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा दूध के प्रोडक्ट से, इनसे आपको मिलेगा गुड कोलेस्ट्रॉल। और जब कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल होगा तो आपका विटामिन डी भी स्वतः ही नॉर्मल होने लगेगा, क्योंकि यह जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है यह आपका प्री विटामिन डी के रूप में आसानी से बनेगा। और यह बहुत जरूरी है साथियों, अगर आपका विटामिन डी कम रहेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में, इंटेस्टाइन में, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जब शरीर को कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी बोन से वो कैल्शियम को निकालेगा, जिससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस वहाँ सब होगा। तो आपको विटामिन डी निश्चित रूप से करना जरूरी है। D2 हमने बता दिया आपको प्लांट से मिलता है, स्प्राउट से मिलता है, इस तरह की चीज़ों से मिलता है। और D3 के लिए आपको सनलाइट चाहिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को ध्यान में रख के चाहिए कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपिड जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू साथियों कोलेस्ट्रॉल की 1000 mg पर डे होती है जो आपके शरीर को चाहिए। और विटामिन डी आपका लगभग 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट होता है जो आपको आपके शरीर की बेहतरी के लिए चाहिए। अब साथियों सारे प्रयास के बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी की कमी है तो अद्भुत नुस्खा हम आपको बताते हैं आपके विटामिन डी को पूरा करने में। आपने ये नुस्खा सुना नहीं होगा,
मैं आपको बताता हूँ, यह नुस्खा आपके विटामिन डी को पूरा करने में सहायक है। लेकिन ये जो साथियों रिपोर्ट्स हैं, यह जब भी आपके पास आए आप डॉक्टर की राय ज़रूर लें, पता नहीं क्या कारण हो जिससे आपके चीज़ की कमी आ रही। मैं तो आपको थोड़ी जानकारी मात्र दे रहा हूँ, तो कोई भी नुस्खा कोई भी दवा कुछ भी लेने से पहले एक कुशल चिकित्सक से ज़रूर कंसल्ट कर लें। बहुत लंबी बात हो गई साथियों, लेकिन आपको विटामिन डी के विषय में बताना ज़रूरी था। अब हम आपको बताते हैं ऐसा चुप घरेलू नुस्खा जो आपके विटामिन डी को कम करने में, बढ़ाने में, नॉर्मल करने में सहायक होगा। आपको साथियों इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। विटामिन डी जो आपके लिए एक पहेली हो गई है समस्या, उसको पूरा करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपको सिंघाड़ा लेना है 250 ग्राम, उसको सुखा लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। आपको अश्वगंधा की जड़ लेनी है, उसको सुखा लेना है, उसका पाउडर बना लेना है, दोनों बराबर मात्रा में। आप चाहें तो बाजार से अश्वगंधा पाउडर और या अश्वगंधा का पाउडर और इंडियन चेस्टनट जो होता है, वाटर चेस्टनट जो होता है सिंघाड़ा, उसको आप बाजार से 250 ग्राम पाउडर ला सकते हैं। दोनों को आप मिला लें, दोनों को आप रख लें। अब आप रोज़ सुबह दूध में इसका एक चम्मच डाल के, यानी दोनों बराबर 250 ग्राम आपस में मिलाए हैं, अब इसका एक चम्मच आप एक गिलास दूध या एक कटोरी दही में, योगर्ट में, मिल्क या योगर्ट में आप डाल लें, और उसमें आप आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल लें, कार्डमम इलायची का पाउडर डाल लें। इस दूध को आप पी लें, रोज़ सुबह इसको पिएं, आपका 30 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर आपको अपने शरीर की विटामिन डी की कमी पूरी होती नज़र आएगी। बहुत अद्भुत नुस्खा है साथियों यह विटामिन डी की कमी को पूरा करने का, आपकी हड्डियों को बचाने का, क्योंकि अगर आप में विटामिन डी की कमी होती है तो आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जब आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी अपनी ज़रूरतें आपकी बोन्स से पूरी करेगा, उससे आपकी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाएगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए आपको विटामिन डी की कमी पूरी रखनी है। उसके लिए आपको बॉडी का कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखना है, जो कि प्रीकर्सर है 7-hydrocholesterol आपके बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको पूरा रखना है। और यह नुस्खा करना है सिंघाड़ा, अश्वगंधा, इलायची पाउडर, बराबर बराबर मात्रा में सिंघाड़े का आटा यानी इंडियन वाटर कैश्यूनट और अश्वगंधा रूट का पाउडर, ये दोनों बराबर मात्रा में हो और उसमें थोड़ी सी इलायची हो। इस प्रिपरेशन को आपको रोज़ सुबह पीना है, ख़ासतौर से हमारे समाज की महिलाओं में उनकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। आप इस नुस्खे को आजमाइएगा, करिएगा, एक महीने में हमको जब शुरू करिएगा तो बता दीजिएगा अगर आपका दिल करे। मुझे लगेगा कि मेरी बात लोग सुन रहे हैं भाई, वरना मैं ऊर्जा लगा रहा हूँ तो ये मुझे कैसे पता कौन इसको सुन रहा है, तो मैं और ऊर्जा से काम करूँ या ना करूँ, हालांकि मैं करता रहूँगा, ये मेरी आदत है ऊर्जा से काम करना, तो मैं करूँगा। लेकिन आप लोग अगर उसको बता देंगे हमको तो हमारी ऊर्जा और बढ़ेगी कि लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो और जब आपको रिजल्ट मिले तो हमको बताइएगा। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी का जवाब दे पाऊँ। व्हाट्सएप नंबर आपके नोटिफिकेशन पैनल में लिखा हुआ है। निवेदन करूंगा साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। मुझे उम्मीद है साथियों कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो विटामिन डी के विषय में संशय था यह खत्म हो गया होगा। मैं इसको एक बार और समराइज कर देता हूँ आपके लिए साथियों। विटामिन डी जो है यह दो तरह का होता है, विटामिन डी टू, विटामिन डी थ्री। विटामिन डी टू प्लांट से मिलता है, विटामिन डी थ्री आपको सनलाइट से मिलता है। सनलाइट में भी विटामिन डी थ्री के बनने के लिए जरूरी है कोलेस्ट्रॉल, 7-dehydrocholesterol होता है हमारे बॉडी में, वहाँ ही विटामिन डी का प्रीकर्सर बनता है। जब आपके बॉडी पर सनलाइट पड़ती है तो यहाँ जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपके बॉडी का, HDL होता है, इसमें जो 7-hydrocholesterol होता है यह प्री विटामिन डी के रूप में बनता है और फिर यह लीवर में जाके विटामिन डी के रूप में सिंथेसाइज होता है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल होना ज़रूरी है। नॉर्मल वैल्यूज कोलेस्ट्रॉल इसकी विटामिन डी की साथियों 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है जो आपके शरीर को चाहिए, और कैल्शियम की 1000 मिलीग्राम पर डे होती है जो आपको चाहिए आपके शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए। नुस्खा साथियों, नुस्खा आप बराबर बराबर मात्रा में अश्वगंधा पाउडर और अश्वगंधा पाउडर ले लीजिए और सिंघाड़े का आटा ले लीजिए, सिंघाड़े का पाउडर ले लीजिए,
इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स करके रख लीजिए और रोज़ सुबह आप दूध में एक चम्मच ये पाउडर डाल के और थोड़ी सी इलायची यानी कार्डमम डाल के रोज़ सुबह आप ये पीजिए, आपकी कमी पूरी होगी। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद।